कोरोना टेस्टिंग जांच को लेकर पैथोलॉजी सेंटरों के संचालकों की बैठक जिलाधिकारी के विजयंत पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पैथोलॉजी सेंटरों की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैथोलॉजी सेंटर जितनी जल्दी बीमारी की पहचान करेंगे मरीज को इलाज कराने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि पैथोलॉजी सेंटरों की जाँच के लिए निर्धारित पैरामीटर पूरा करते ही तत्काल अनुमति प्रदान की जाए और किसी भी कठिनाई पर उनका सहयोग भी किया जाएगा। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ एस के तिवारी ने पैथोलॉजी सेंटरों के संचालकों को कोरोना जांच के संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी और विभिन्न पैथोलॉजी सेंटर के संचालक मौजूद रहे। बैठक के संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए सीएमओ डॉ एस के तिवारी ने कहा, इनके पास ऑलरेडी भी सीवी नेट है, मशीन है, ये आपके टू नेट है, एंड डॉक्टर इज हैविंग सीवी नेट आल्सो है। इनसे कुछ हम लोग ये गुजारिश करना चाहेंगे कि आप को हम और आपका कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा वो दिल्ली भेजने में, तो इन्हीं सब पे चर्चा करने के लिए मैं जिलाधिकारी बहुत अच्छे अनुरोध करूँगा सर पे आप जल्दी पहचान सकते हैं जो इंफेक्टेड लोगों का उनका आइसोलेट कर सके, ताकि ये सेल्फ कंटेंट है वो आपके भी कहने अब तक बस सभी लोग इधर उधर बनते हैं कॉम्बिनेशन में करवाए, बहुत लोग बच भी रहे और बहुत लोग सकम भी हो जा रहे हैं, खासतौर को वहाँ पर थी और बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को बचाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। अब 15 बार ये म्यूटेट हो चुका है वायरस और भी म्यूटेट होते रहेगा, वैक्सीनेशन तो वैक्सीनेशन छोड़ रहे तब तो चाहिए, बट उसके बाद फिर मास्क खेल में करेंगे, फिर उसके बाद उसका वो होता है किसी के निकल के उसका वो करेंगे, लेकिन एक साल कम से कम लग सकता है। बट अभी जो भी कंट्री है, जो भी पोर्टल है, जो भी देश है, जो कहीं से भी यदि टेस्ट ज़्यादा होता है उसी का परिणाम उसी देश का उसी जनता को मिला है, जो बचाने पर उस पर स्टेबिलिटी हो गई। हम लोग क्या इंडिया में तो यार 137 करोड़ पॉपुलेशन है, यूपी 23 करोड़ का है, गोरखपुर लगभग तो 60 लाख का पॉपुलेशन है हमारा, और हमारा लैब भी बहुत लिमिटेड है। अभी तो हम लोग मुश्किल से 4 जनपद मिलते हुए जनपद मिल करीब 1.5 करोड़ के ऊपर है जनसंख्या, उसी पे 700 सैंपल मतलब ना के बराबर है, तो क्या उस पर एक पॉजिटिव निकलता है उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हम लोग उनका पूरा फैमिली को उठाते हैं, उसके बाद फिर उनका कहाँ गया है, कहाँ उठा है, बेटा कहाँ से आया, किस गाड़ी से आया है, कहाँ दूध खरीदा है, कहाँ खाना खाया, सारी एक एक पॉजिटिव ट्रेसिंग जो दीजिए वो कम से कम तो 50 से 100 लोग का सैंपल तो लेना ही पड़ता है। उसके अलावा जो ये कोमॉर्बिडिटी लोग हैं, खासतौर पर जो किसका ट्रीटमेंट चल रहा है पहले से उनको कड़ी इन्फेक्शन का, ताकि डॉक्टर लोग तो अक्सर 4-5 जगह जाकर प्रैक्टिस करते हैं, पता नहीं कहाँ से उनकी इन्फेक्शन फैल गया, इसी चक्कर पर 2 दिन हॉस्पिटल आपको सील करना पड़ा, उसके बाद जो ये मीटिंग माननीय जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ की अच्छी पैथोलॉजी के संचालकों और चिकित्सकों को बुलाया था, और जो 4 पैथोलॉजी पैथकाइंड SRL लाल पैथोलॉजी तिलक पैथोलॉजी इन सबको हम लोगों ने पहले से परमिशन दे रखी है टेस्टिंग के लिए, और कौन से लोग कोरोना टेस्टिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि शासन ने अभी रेट्स रिवाइज भी कर दिया है और सैंपल साइज़ भी इन लोगों को अच्छा मिलेगा, जितना भी करना चाहें, सरकारी की सैंपल लेके भी करना चाहें तो उसके लिए भी इनको धनराशि जिलाधिकारी महोदय ने किसी न किसी मद से दिलाने की बात कही है, उसी संदर्भ में हुई थी और कई पैथोलॉजी के लोग उसमें आगे आए हैं और हो सकता है 2-4 दिन में वो भी टेस्टिंग का कार्य शुरू कर दें।